बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बंगलुरु में हुआ था। उनके प्रति लोगों की दीवानगी इस हद तक है कि वे उन्हें भगवान मानते हैं। वहीं आज जन्मदिन पर एक्टर को हर तरफ से बधाइयां मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई स्टार्स ने रजनीकांत को शुभकामनाएं दी है। इसी मौके पर आज आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अपने पिता रामोजी राव की 4 संतानों में शिवाजी राव गायकवाड़ यानी रजनीकांत सबसे छोटे थे। जब वे 5 साल के थे तभी उनकी मां जीजाबाई का निधन हो गया था। घर के हालात खराब हो रहे थे जिसकी वजह से रजनीकांत को कुली तक का काम करना पड़ा। कुली से सुपरस्टार बनने वाले रजनीकांत कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते अगर उनके दोस्त राज बहादुर ने उनके अभिनेता बनने के सपने को जिंदा ना रखा होता। जी हाँ, रजनीकांत अभिनेता बनना चाहते थे। उनके इसी सपने को दोस्त राज बहादुर ने जिंदा रखा और उन्होंने रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए कहा। दोस्त की बदौलत ही रजनीकांत आगे बढ़ते गए और फिर फिल्मों में काम करने लगे। रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म अपूर्वा रागनगाल से की थी। रजनीकांत ने अपनी करियर की शुरुआती दिनों में कई नेगेटिव भूमिका निभाई थी। पहली बार रजनीकांत ने फिल्म भुवन और केलिविकुरी में हीरो की भूमिका निभाई थी। उनकी फिल्म बिल्ला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसी ने रजनीकांत को लोगों की नज़रों में ला दिया। साल 1983 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रख दिया। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून थी। रजनीकांत ने इसके बाद से तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी। आज वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार कहे जाते हैं। TCB 24 न्यूज़ की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ।